नमस्कार, आपके साथ मैं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हो क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम ब्रिटेन में सबसे पहले बात करेंगे रशिया और यूक्रेन की, क्योंकि ये दावा किया गया है, रिपोर्ट सामने आई है कि रशिया जल्द ही यूक्रेन पर हमला करने वाला है। और हमला कोई मामूली हमला नहीं, बल्कि अपनी खतरनाक मिसाइल और ऑरिस्टिक मिसाइल से हमला करने वाला है। और इस बात की पुष्टि अमेरिका ने की है। अमेरिका ने साथ में ये भी कहा है कि रूस अपने इस कदम से यूक्रेन को सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ये मिसाइल युद्ध में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाएगी। रूस इसका इस्तेमाल सिर्फ यूक्रेन को डराने के लिए कर रहा है। अधिकारियों ने बताया कि रूस के पास इस मिसाइल की जो संख्या है, जो क्वांटिटी है, वो भी कम है, यानी कि मिसाइलें काफ़ी कम हैं। रूस ने इस मिसाइल का पहली बार 21 नवंबर को यूक्रेन के निप्रो शहर पर इस्तेमाल किया था। उस हमले की वीडियो भी देखी गई थी जो सामने आई थी। हालांकि अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि रशिया इस ऑरिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये सिर्फ कहा गया है ताकि यूक्रेन को डराया जा सके। और अगली खबर सामने आई है जहां पर लेबनान से इजरायली सैनिकों की वापसी की पुष्टि की गई है, यानी कि इजरायल डिफेंस फोर्स लेबनान से पीछे हट रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अमेरिका की सेना की तरफ से पिछले महीने हुए सीज फायर समझौते के तहत लेबनान से इजरायली सैनिकों की पहली वापसी की पुष्टि की है। IDF ने आज इसकी पुष्टि की है कि उन्होंने हिजबुल्ला के साथ सीज फायर डील के अनुसार दक्षिणी लेबनान के खियाम शहर से अपनी जो सेना है, यानी कि इजरायल डिफेंस फोर्स है, उसको वापस बुला लिया है। हालांकि इजरायली सेना ने कहा कि वो अभी भी दक्षिण लेबनान के जो कुछ हिस्से हैं वहाँ पर मौजूद हैं, और मौजूद इसलिए हैं क्योंकि अगर कोई भी ऐसी हरकत होती है, कोई भी हमला होता है, यानी कि इजरायल फोर्स पर अगर कोई हमला होता है, इजरायली नागरिकों पर अगर कोई हमला होता है, तो इजरायल डिफेंस फोर्स इसका जल्द ही कार्रवाई करेगी और हमला कर सकती है। और अगली खबर सामने आई है जहां पर अफगानिस्तान में तालिबानी को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक शख्स की जान ले ली गई है, हत्या कर दी गई है। तालिबान को अब एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। वो चुनौती है इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत की। इस आतंकी समूह ने अफगानिस्तान में तालिबान के रिफ्यूजी मिनिस्टर खलील उर रहमान हक्कानी पर आत्मघाती हमले किए हैं और उसके बाद उनको मौत के घाट उतार दिया गया। इस संगठन ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली है। इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी कि ISIS के इस रूप में उभर रहा है आतंकी संगठन ISIS का ही सहयोगी है और तालिबान के लिए प्रमुख सैन्य खतरा बना हुआ है, यानी कि इस वक्त का सबसे बड़ा खतरा तालिबान के लिए ये संगठन है। अफगानिस्तान में इसके 4000 तक सदस्य होने का अनुमान है। तालिबान और ISIS के बीच में दुश्मनी की जड़ें उनके अफगानिस्तान के लिए अलग अलग मकसदों में छिपी हुई हैं। तालिबान जहां देश पर अपना कब्जा मजबूत करना चाहता है, तो वहीं ISIS के अपना इस्लामी खलीफा स्थापित करने और तालिबान के अधिकार को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, यानी कि दोनों के बीच में टकराव चरम पर है। हाल ही में ISIS के द्वारा तालिबान के जो कमांडर है रहमान हक्कानी, उनकी हत्या कर दी गई है। अफगानिस्तान में एक नए युद्ध की संभावनाओं को लेकर चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि जो ये हमला किया गया है उसके बाद से यहाँ पर भी जंग शुरू हो सकती है। तनाव तो हाल ही में देखा ही गया है और इस संगठन ने जिम्मेदारी भी ली है हक्कानी को मारने की। और अगली खबर, सीरिया से असद सरकार का पतन हुआ और फिर असद को सीरिया से मॉस्को लाया गया। उसके पीछे की काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग हुई कि कैसे असद को एयरपोर्ट से मॉस्को लाया जा सके। तो सीरिया से असद को निकालने के लिए रूसी ऑयल टैंकर IL-78 को तैयार करके रखा हुआ था। इस प्लेन को डमस्कस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयार रखा गया था और जैसे ही डमस्कस में विद्रोही गुट के लोगों ने घुसना शुरू किया, तभी असद और उनके परिवार को वहाँ से निकाला गया। उनकी सुरक्षा में 15 से 20 गाड़ियां वहां पर मौजूद थीं। उस वक्त एयरपोर्ट पर सीरिया सरकार की सेना का कब्जा था और मिनट सेकंड के अंदर असद को प्लेन में चढ़ाया गया और फिर तुरंत बाद ही उस प्लेन को रवाना कर दिया गया और उसके बाद वो प्लेन मॉस्को पहुंचा। हालांकि अफवाहें बीच में ये भी उड़ाई गई कि असद के प्लेन क्रैश हो गया है या गोलियाँ चलाई गई, वो सिर्फ विद्रोहियों का ध्यान भटकाने के लिए किया गया था। तो इस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई और असद को सीरिया से रशिया लाया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।